नेपाल में बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसमें 14 लोगों की जान चली गई। पोखरा से काठमांडू जाते वक्त यूपी की बस नदी में गिर गई। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम ने राहत बचाव के बाद 16 लोगों को बचाया। बस में मौजूद सभी लोग महाराष्ट्र के रहने वाले थे जो नेपाल टूर पर थे। देखिए ये रिपोर्ट। मृतकों की संख्या बढ़ भी गई है। नेपाल में बड़ा बस हादसा। सड़क हादसे की ये तस्वीरें नेपाल की है। बस जैसे ही नदी में गिरी, चीख पुकार मच गई। यूपी नंबर की बस 40 से ज्यादा लोगों को लेकर जा रही थी। हादसा इतना भयानक था कि 14 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम ने कई लोगों को निकाला और अस्पताल तक पहुँचाया। नदी में गिरी यूपी नंबर की बस। नेपाल के तानहुन जिले में मार्स्यांगडी नदी में ये बह गई। ये चार्टर्ड बस यात्रियों को लेकर नेपाल की तरफ गई थी। बस में सवार सभी गोरखपुर से ये बस चलती है और जिन लोगों ने बुक किया था वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। पांडुरंगा यात्रा के नाम से एक यात्रा निकाल रहे थे और कई बस उन लोगों ने बुक किया था। 110 लोग की एक टीम है जो निकली हुई थी। सबसे पहले वो बस से प्रयागराज जाते हैं, वहाँ पे दर्शन पूजन करते हैं, फिर अयोध्या जाते हैं, वहाँ दर्शन पूजन करते हैं और वहाँ से निकलने के बाद ये लोग पोखरा जाते हैं और पोखरा से बस आज निकलती है काठमांडू के लिए। और जब ये रास्ते में ही थी तो काठमांडू के रास्ते में ये बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। जिस गोरखपुर की ट्रैवलिंग एजेंसी केसरवानी परिवहन से 3 महीने पहले ही बसों को बुक करवाया गया था। नेपाल जाने वाले टूर में करीब 100 लोग शामिल थे। जो बस नदी में गिरी उसका नंबर UP 53 FT 7623 है। हादसे वाली बस के साथ 2 और बसें भी टूर पर गई थी, UP 53 FT 9178 और UP 53 FT 2955। हादसे का शिकार बस गोरखपुर के केसरवानी ट्रेवल्स की थी। करीब 3 महीने पहले महाराष्ट्र के लोगों ने बसों की बुकिंग करवाई थी। नेपाल जाने वाले टूर में करीब 100 लोग शामिल थे। सभी लोग महाराष्ट्र के भुसावल के रहने वाले थे। हादसे में कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। बस ड्राइवर मुस्तफा गोरखपुर के वाला है। 3 पहले से गाड़ी टेलीफोन से बुक करा लेते हैं और यहाँ से ये लोग गए थे गोरखपुर से करने के माने अयोध्या घुमाने के बाद फिर गोरखपुर आए। गोरखपुर के बाद फिर ये लोग गए नेपाल होते हुए लुम्बनी से। ये 3 गाड़ी, 2 बड़ी बस है, 1 टेम्पो ट्रेवलर। कौन सी बस? मांडू का था सफर। अधिकारियों के मुताबिक बस पोखरा नेपाल। बस अनवु खैरिनी के आईना पहरा से मर्स्यांगडी नदी में। इस तरह की घटनाएं होना और हम सब लोग की संवेदना पीड़ित के साथ है। आवश्यक कदम उठाए जाने होंगे, सरकार उठाएगी। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। हादसे के शिकार लोगों से निकालने की कोशिश की गई। इस प्रकरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद संजीदा हैं। उनका ये कहना है कि जल्दी से जल्दी इस पूरे ऑपरेशन में रेस्क्यू किया जाए और जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए। इसके लिए अब मैं इस समय सोनौली बॉर्डर पे हूं और आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं कि भारतीय एम्बुलेंस लगाई गई है, 2 एम्बुलेंस लगाई गई है और जैसे ही मरीज बॉर्डर पर पहुंचेंगे उन्हें तत्काल अस्पतालों तक पहुंचाया जाएगा और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देकर उन्हें उनके जीवन की कम से कम कैजुअल्टी इस पूरी घटना में हो सके।